विमला, अरे सुनती हो क्या? अरे सुनो विमला, आज हमारा दीपक 7 वर्ष का हो गया है। आज उसका जन्मदिन है, बताइए उसके जन्मदिन पर क्या प्रोग्राम किया जाए। हाँ जी, मुझे पता है, आज मेरे लाडले का जन्मदिन है, कैसे भूल सकती हूँ, माँ हूँ मैं उसकी। हाँ तो बताओ, आज उसके जन्मदिन पे क्या क्या बनवाया जाए और उसके कपड़े वगैरह। अरे तुम कपड़ों की चिंता मत करो, वो सब मैंने पहले से खरीद के रख दिए हैं, मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। बस आप एक काम कीजिए, अपने दीपक के लिए एक सोने की चैन बनवा दीजिए। अरे सुनो विमला, चैन तो मैं बनवा दूंगा, लेकिन अभी हमारा दीपक बहुत छोटा है, वो कहीं गिर देगा या कोई राह चलता हुआ उससे छीन कर ले जाएगा। अभी थोड़ा सा और बड़ा होने दो, फिर उसके लिए चैन बनवा दूंगा, समझी? आप हमेशा ऐसी ही बातें करते हो, हमने जब भी किसी काम के लिए कहा है कोई ना कोई बहाना बना के टाल मटोल कर देते हो। वो हमारी पड़ोसन है ना निर्मला, उसका पति तो आपकी हैसियत के सामने कुछ भी नहीं है। पिछले महीने उसके बेटे का जन्मदिन था, उसने उसको 1 तोले की चैन बनवा कर दी। एक तुम हो कि बस ऐसे टाल मटोल करते रहते हो। ओहो विमला देवी, तुम तो नाराज हो गई। अरे भाई, हम तो इसलिए कह रहे थे कि दीपक अभी छोटा है, लेकिन अब जब तुम मान नहीं रही हो तो दीपक के लिए हम 2 तोले की चैन बनवा देते हैं, आज ही लेकर आएंगे, अब तो ठीक है? तुम तो बेकार में ही गुस्सा हो जाती हो, चलो खुश हो जाओ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। क्या बात है भाभी, भैया ने कुछ कह दिया क्या? अरे नहीं किशन भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे किशन, मैं तो तुम्हारी भाभी से ऐसे ही मजाक कर रहा था। झूठ क्यों बोल रहे हो जी, क्या तुमने मेरा दिल नहीं दुखाया? ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है। क्यों बड़े भैया, भाभी सच बोल रही है ना? अरे भाई किशन, अपनी भाभी से ही पूछ लो सच क्या है। अरे भाभी, आप ही बता दो क्या बात हुई। किशन भैया, आज दीपक का जन्मदिन है, मैंने इनसे कहा कि दीपक के जन्मदिन पर उसको 1 सोने की चैन दिला दो, बस लगे मना करने तो मैं भी चुप हो गई। बड़े भैया, मान लो ना भाभी की बात और ला दो एक प्यारी सी चैन हमारे दीपक के लिए। अरे किशन, मैंने तुम्हारी भाभी से कह तो दिया कि मैं ले आऊंगा चैन। अरे उसके अलावा और भी तो तैयारियां करनी है, उनके बारे में भी तो सोचो। सोचना क्या है, शाम को केक काटने के बाद खाने की पूरी तैयारी है, बस आप जल्दी जाकर, मेरा मतलब ये है कि हमारे बेटे के लिए चैन ले आना। बड़े भैया, मैं कहना चाह रहा था कि शाम को दीपक को ले जाकर श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर उनका भी आशीर्वाद ले लेते। हाँ किशन, कहे तो तुम सही रहे हो। तुम एक काम करना, तुम दीपक को साथ लेकर और प्रसाद चढ़ा करके बाबा का आशीर्वाद ले लेना, तब तक मैं और तुम्हारी भाभी यहाँ की व्यवस्था देखते हैं। किशन भैया, मैं बाजार से सजावट का सामान ले आती हूँ, गुब्बारे झालर वगैरह, उनसे अच्छी तरीके से घर को सजाना है। सुनो जी, मैं निर्मला के घर जा रही हूँ, उनको शाम को बुलाना है, नहीं तो वो कहेंगी कि अपने बेटे के जन्मदिन पे बुलाया नहीं, उसने भी तो हमें बुलाया था, इसीलिए हमें भी उसे बुलाना पड़ेगा। ठीक है भाई, जिसे आप चाहो उन्हें बुलाओ, हम कब मना कर रहे हैं। और हाँ, अपने घर पर फोन कर लो, वो कहीं नाराज ना हो जाए। मैं क्यों फोन करूं, ससुराल वाले तुम्हारे हैं, बुलाना चाहो या नहीं तुम्हारी मर्जी है, मैं कुछ नहीं जानती। ठीक है विमला देवी, मैं ही अपने ससुराल वालों को न्योता दूंगा, तुम अपने पड़ोसनों को बुलाने जाओ, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगी। ठीक है मैं जाती हूँ, लेकिन तुम भी जल्दी जाओ और सुनार के यहाँ से दीपक के लिए बड़ी सुंदर सी चैन लेके आना, जल्दी जाओ, समय बहुत हो रहा है। जाता हूँ बाबा, जाता हूँ। और कोई हुक्म मेरे आका? और कुछ नहीं जी। अरे हाँ याद आया, आप जब वापस आओ ना तो फूलमाला लेते आना उधर से। अरे भाई, ये फूलमाला किस लिए, क्या करोगी इन फूलमालाओं का? एक आपके गले में डालूंगी, एक अपने गले में डालूंगी। अरे आप तो कुछ समझते नहीं हो, दीपक को पहले हम फूलमाला पहनाएंगे, फिर उसे अपने हाथों से चैन पहनाऊंगी। ये भी खूब रही, चैन लाए हम और पहनाओ आप।
अरे आप ही पहना देना, पहले लेकर तो आइए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम घर का काम संभालो। और हाँ सुनो, जल्दी आना, कहीं रास्ते में लग जाओ दोस्तों से बतियाने, याद रखना। ठीक है, जल्दी आ जाऊंगा। अब मैं जाऊँ तुम कहो तो? हाँ हाँ जाओ, मैं कब रोक रही हूँ, बस याद रखना जल्दी आ जाना। भाभी भाभी कहो, भाभी कहो। भैया भाभी दीपक कहाँ है, उसे बुलाओ, मुझे उसे श्याम बाबा के मंदिर लेके जाना है। खेल रहा होगा बाहर, अभी बुला के लाती हूँ। ये लो किशन भैया, आ गया दीपक। दीपक बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों चाचा जी? मुझे तुझे लेकर के श्याम बाबा के मंदिर जाना है। बाबा के मंदिर क्यों जाना है चाचा जी? बेटा आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, इसीलिए किशन चाचा के साथ चले जाओ, प्रसाद चढ़ाकर और श्याम बाबा का आशीर्वाद ले लो। पापा आप दीपक भैया को लेके कहाँ जा रहे हो? बेटा आज आपके दीपक भैया का जन्मदिन है ना, मैं उसे श्याम बाबा के मंदिर लेकर जा रहा हूँ। क्या, श्याम बाबा के मंदिर? हाँ बेटा, श्याम बाबा के मंदिर। पापा जी मैं भी आपके और दीपक भैया के साथ श्याम बाबा के मंदिर जाऊंगी, पापा जी मुझे भी ले चलो ना। क्यों, तुम क्यों जाओगी, जन्मदिन मेरा मैं जाऊंगा। दीपक भैया मैं आपकी छोटी बहन हूँ, मैं भी मंदिर जाऊंगी आपके साथ और बाबा से आपकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम दोनों जाओ, आ जाओ मैं तुम दोनों को तैयार कर देती हूँ, आ जाओ। भाभी जरा जल्दी तैयार कर देना बच्चों को। भाभी हो गए बच्चे तैयार? लो भैया हो गए दोनों बच्चे तैयार, जाओ जल्दी हो कर आओ। ठीक है भाभी, जल्दी लौट कर आते, आ जाओ बच्चों। बिमला, अरे ओ बिमला कहाँ हो? हाँ जी, क्यों शोर मचा रहे हो, पूरा घर सर पे उठा रखा है, कहो क्या बात करनी है। ओहो, हम बोले तो घर सर पर उठा रखा है और तुम बोलो तो जमीन पर। ये देखो मैं तुम्हारे दीपक के लिए चैन ले आया। चैन ले आए? आप सच में बहुत अच्छे हो। ओहो, चैन ले आए तो हम अच्छे हो गए, नहीं तो हम बुरे थे। अजी मेरा वो मतलब नहीं था जो आप समझ रहे हो। अच्छा ये बताओ चैन कैसी लगी? बहुत सुंदर है जी, मेरे दीपक के गले में बहुत सुंदर लगेगी, आने दो दीपक को, उसके गले में पहना दूंगी। अरे वो आपके लाडले बेटे दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? वो किशन भैया के साथ श्याम बाबा के मंदिर प्रसाद चढ़ाने गए हैं, आते ही होंगे। ये लो भाभी जी, बाबा का प्रसाद, और पंडित जी कह रहे थे अब की बार पूरे परिवार को आना है एक साथ में। ठीक है, अगले संडे हम सब श्याम बाबा के मंदिर चलेंगे। दीपक बेटा इधर आओ, देखो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा कितना कीमती तोहफा लेके आए हैं, ये देखो सोने की चैन। सोने की चैन? मैं इसे जल्दी मेरे गले में पहना दूं, इसको पहन कर ना मैं अपने सभी दोस्तों को दिखाऊंगा कि मेरे पापा ने ना मुझे सोने की चैन दी है। थैंक यू पापा। ठीक है बेटा, इसे गले में डाल के रखना और हाँ कहीं खो मत देना इसको। ठीक है पापा, मैं इसको बहुत संभाल के रखूंगा, इसे कहीं नहीं खोऊंगा। आओ दीपक बेटा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ये चैन पहना देती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you.
चाचा जी आप बॉलिंग करो, मैं बैटिंग करता हूँ। चल ठीक है। अरे बेटा दीपक, बॉल तो झाड़ियों में चली गई, जा तू लेकर आ। ठीक है चाचा जी, आप फिक्र मत करो, मैं बॉल अभी लेकर आता हूँ। बेटा थोड़ा संभल कर जाना झाड़ियों में, देख कांटा वाटा ना लग जाए कहीं। ठीक है चाचा जी, मैं अभी बॉल लेकर आता हूँ और संभल कर जाता हूँ। क्या हुआ चाचा जी, बॉल तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। चल मैं ढूंढवाता हूँ। अरे वो रही बॉल, तुझे बॉल नहीं दिखाई दी? जा लेकर आ, देख वो रही, निकाल। मिल गई ना? तू भी यार, चल चल दीपक, अब शाम हो गई है ना, भैया बाबा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है चाचा जी, अब कल खेलेंगे। दीपक, रोशनी, देखो बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। पापा जी आप क्या लेके आए हो? देखो बेटा तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी जैसी एक बहुत ही प्यारी सी गुड़िया लेकर आया हूँ, ये लो। और मेरे लिए क्या लेके आए हो चाचा जी? दीपक बेटा मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आया हूँ, ये लो। ये तो बहुत अच्छे कपड़े हैं चाचा जी। चाचा जी आप बहुत अच्छे हैं, रोशनी के लिए गुड़िया और मेरे लिए कपड़े लेकर आए। पापा जी हम खेलने जाएं? चाचा जी हम खेलने जाएं? हाँ बेटा जाओ खेलो। अरे किशन भैया, आज तो बहुत सारा सामान ले आए हो, हमारे लिए भी कुछ लाए हो या नहीं? हाँ हाँ भाभी क्यों नहीं, मैं आपके लिए साड़ी लेकर आया हूँ, ये देखो। अरे वाह, बहुत सुंदर साड़ी है भैया, बिल्कुल मेरी पसंद की। पसंद आई ना आपको, है ना? और ये देखो, बड़े भैया के लिए मैं शॉल लेकर आया हूँ, ये लो देखो। अरे वाह, ये भी बहुत अच्छी है, तुम्हारे भैया पर बहुत जचेगी। दीपक उठो बेटा, सुबह हो गई है, स्कूल नहीं जाना क्या? मम्मी सोने दो, मुझे नींद आ रही है, थोड़ी देर में उठ जाऊंगा। सुबह के 7 बज रहे हैं और 8 बजे तुम्हें स्कूल जाना है, जल्दी उठ के तैयार हो जाओ। ठीक है मम्मी। अरे दीपक, तुम्हारे गले में चैन क्यों नहीं दिख रही, कहीं उतार के तो नहीं रख दी? नहीं मम्मी, मेरे गले में ही तो थी, मैंने तो कहीं नहीं रखी, यहीं कहीं गिर गई होगी। यहीं कहीं देखो, तुमने कहीं उतार के रख दी होगी, ध्यान से देखो जरा। नहीं नहीं मम्मी, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने कहीं उतार के नहीं रखी। अजी सुनते हो दीपक के पापा, कहाँ हो जरा जल्दी आओ, कहाँ हो जल्दी आओ। अरे क्या हुआ,
सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? क्या आफत आ गई? अरे आफत ही आ गई है, तभी तो मैं चिल्ला रही हूँ। क्या हुआ बताओ, क्यों परेशान हो रही हो? आप जो दीपक के लिए चैन लेकर आए थे ना, वो मिल नहीं रही है, ना ही इसके गले में और ना ही बिस्तर पे मिल रही है। अरे ध्यान से देखो, यही कहीं होगी आसपास, कहाँ जाएगी घर में से? मैंने तो यहाँ पे देख ली, कहीं नहीं मिल रही। दीपक बेटा तुम ही ध्यान करो, कहीं रखकर भूल तो नहीं गए? नहीं पापा जी, मैंने तो उसको गले से ही नहीं उतारा, मैं कहाँ रखूंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, चैन कहाँ खो गई? अरे क्यों इतना परेशान हो रही हो, यही कहीं होगी, मिल जाएगी। अरे क्या हुआ भैया, सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रहे हो भाभी, क्या बात हो गई? अरे क्या बताऊं किशन, जो दीपक को सोने की चैन दी थी ना, पता नहीं वो कहाँ गुम हो गई है, मिली नहीं रही कहीं। अरे यही कहीं होगी भैया, मिल जाएगी, कहाँ जाएगी? रुको मैं देख। ढूंढो किशन, हो सकता है घर में ही मिल जाए, पर मुझे तो नहीं लगता घर में मिल जाएगी। हे भगवान, इतनी कीमती चैन ना जाने कहाँ खो गई। अभी तो मेरे बच्चे ने 2 दिन भी नहीं पहनी थी, पता नहीं कहाँ खो गई मेरे लाल की चैन। भाभी अब चिंता मत करो, श्याम बाबा से प्रार्थना करो, चैन मिल जाएगी, टेंशन मत लो आप। कैसे ना परेशान हूँ, इतना बड़ा जो नुकसान हो गया है, मैं कैसे सहन करूँ? हे भगवान मैं क्या करूँ? भाभी मैं श्याम बाबा के मंदिर जाता हूँ और जाकर उनसे प्रार्थना करता हूँ, हो सकता है वो हमारी प्रार्थना सुन ले और हमारी चैन मिल जाए। हो सकता नहीं है, मिल जाएगी, मुझे बाबा पे पूरा भरोसा है। ठीक है जाओ, हो सकता है बाबा की कृपा हो जाए। सुनो जी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? कहो क्या बात है, मैं बुरा क्यों मानूंगा? मैं फिर कह रही हूँ, बुरा मत मानना, मेरा शक गलत नहीं होगा। देखो पहेलियाँ मत बुझाओ, जो कहना है साफ साफ कहो। सुनो जी, कल जो किशन सामान लाया था। क्या मतलब है तुम्हारा किशन की सामान से? मेरे कहने का मतलब ये है कि किशन कहीं काम धाम तो करता नहीं है, फिर वो ये सारा सामान कहाँ से लाया, कहीं किशन नहीं तो नहीं? ये क्या बकवास कर रही हो तुम, किशन पे क्यों इल्जाम लगा रही हो? देखो मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मुझे शक है कि चैन किशन ने ही चुराई है और उसे बेचकर वो सामान लेके आया है, हो सकता है बाकी के पैसे उसके जेब में ही हो। विमला तुम मेरे भाई पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो, समझ लो ये अगर बात झूठ निकली तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है आने दो उसे, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भैया मैं बाबा से प्रार्थना करके आया हूँ, हमारे दीपक की चैन बहुत जल्द मिल जाएगी, मुझे पूरा भरोसा है बाबा पर। अच्छा एक बात बता किशन, कल जो तू बाजार से सामान लेके आया था उसके लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए? भैया वो, भैया ये, भैया वो, अरे सच सच बता तेरे पास पैसे आए कहाँ से? भैया वो मैंने अपने दोस्त को कुछ दिन पहले पैसे दिए थे, उसने अब मुझे लौटा दिए, उन पैसों से सामान लेकर आया था मैं। लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हो? इसीलिए कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे किसी दोस्त ने तुम्हें पैसे नहीं दिए, तुमने ही दीपक की चैन चुरा कर बेची है। सच सच बताओ वरना पुलिस के हवाले कर दूंगी। सुन रहे हो भैया, भाभी क्या कह रही है, चोर कह रही है मुझे, मैं बाबा की कसम खाकर कहता हूँ मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। देख क्या रहे हो जी, इसके जेब की तलाशी लो, बाकी की रकम इसके जेब में ही होगी। भैया तलाशी लेने की जरूरत नहीं है, सामान खरीदने के बाद जो पैसे बचे थे वो ये रहे, पर मैंने चोरी नहीं की भैया। सच सच बताओ नहीं तुम्हारी मार मार कर खालो धेर दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ बड़े भैया, मैंने दीपक की चैन नहीं चुराई, मैं चोर नहीं हूँ। बड़े भैया चाहे मार मार कर मेरी खालो धेर दो, पर मैंने चोरी नहीं की भैया, मैंने चोरी नहीं की। तू ऐसे नहीं मानेगा जब तक तुझमें मार नहीं पड़ेगी।
मुझे मत मारो बड़े भैया, मैंने चोरी नहीं की, मैं बेकसूर हूँ भैया, मुझे मत मारो। ताऊ जी मेरे पापा को मत मारो। तेरा बाप चोर है, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। सुनो जी मैं कहती हूँ इसे पुलिस के हवाले कर दो, ये ऐसे नहीं मानेगा। बड़ा ही मक्कार है, अपने ही भतीजे की चैन बेच दी। बुलाओ पुलिस को, मैं कहती हूँ अभी बुलाओ पुलिस को। नहीं नहीं हम पुलिस नहीं बुलाएंगे, आज तक हमारे घर में कभी पुलिस नहीं आई, हम अपने फैसले खुद ही करते हैं। और तू किशन निकल जा मेरे घर से अपनी बेटी को लेकर, और कभी नहीं आना है। नहीं नहीं भैया मुझे घर से मत निकालिए, मैं इस छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँगा, ये आपका ही तो घर है, इसके अलावा मेरे पास रहने को और क्या है। मुझ पर दया करो भैया, मुझे घर से बेघर मत करो, कुछ तो रहम करो बड़े भैया। रहम? और तू चोर पर, आज तो चैन बेची है कल पूरा घर बेचेगा, निकल जा हमारे घर से। ताई जी हमें घर से मत निकालो, हम कहाँ जाएंगे। कहीं भी मरो हमारे घर से निकल जाओ। शुक्र मना किशन कि मैंने तुझे पुलिस में नहीं दिया, यही सोच कर कि तू जेल चला गया तो तेरी बेटी का क्या होगा, निकल जा तू मेरे घर से नालायक। हे श्याम बाबा आप तो जानते हो मैंने चोरी नहीं की, फिर भी भैया भाभी ने मुझे और मेरी बेटी को, हम दोनों को घर से निकाल दिया। अब मैं इस छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँ बाबा, कहाँ जाऊँ। उठो पापा, आपको क्या हो गया पापा, उठो पापा, आंखें खोलो पापा। ए श्याम बाबा ये मेरे पापा को क्या हो गया, ये कुछ बोलते क्यों नहीं, मेरे पापा को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। ए श्याम बाबा मेरे पापा को ठीक कर दो। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों परेशान हो और इन्हें क्या हुआ? पता नहीं बाबा जी मेरे पापा को क्या हो गया, ये उठ भी नहीं रहे हैं और बोल भी नहीं रहे हैं। बाबा जी हमारे ताऊ जी ने पापा को बहुत मारा और चोर कहकर घर से निकाल दिया। हम जानते हैं बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बेटा रोशनी तुम परेशान क्यों हो रही हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर ये सब कुछ हुआ कैसे, मुझे क्या हो गया था बेटा? पापा पता नहीं बोलते बोलते कैसे बेहोश हो गए, मैंने आपको बहुत उठाया आप उठ ही नहीं रहते, एक बाबा जी आए उन्होंने मुझे चुप कराया और आपके सर पर हाथ फेंट कर चले गए, फिर आप ठीक हो गए। क्या कह रही हो बेटी, किसी बाबा ने मेरे सर पर हाथ फिराया और मैं ठीक हो गया? मैं समझ गया, वो कोई और नहीं हो सकते, वो जरूर मेरे श्याम बाबा ही होंगे। जय श्री श्याम। चलो बेटा श्याम बाबा के मंदिर चलते हैं, चलो।
रोशनी बेटा, तुम्हें भूख तो नहीं लगी? नहीं पापा, मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे नींद आ रही है। नींद आ रही है तो सो जाओ बेटा, आ जाओ। मेरे सांवरे
पड़ा हूँ तेरी सिर पे, हाथ दया का धर दे तू। आज दूध को दूध और पानी को पानी कर दे तू। शरण पड़ा हूँ तेरी सिर पे, हाथ दया का धर दे तू। आज दूध को दूध और पानी को पानी कर दे तू। पानी को पानी कर दे तू। सब है तेरे हाथ फिर क्यों मेरे साथ, सब है तेरे हाथ फिर क्यों मेरे साथ। हो रहा है तू बदनाम, मुझे रोशनी और चाचा जी की याद आ रही है, न जाने वो कहाँ होंगे। खबरदार दीपक, जो उनका नाम लिया वो हमारे कुछ नहीं है, वो चोर थे इसीलिए उनको घर से निकाल दिया। आज के बाद उनका नाम लिया ना तो बहुत मारूंगी। मेरा दिल भी यही कहता है कि किशन ऐसा नहीं कर सकता। पापा जी, चाचा जी को घर ले आओ ना, मुझे उनके बिना अच्छा नहीं लगता। तुम बाप बेटो की अकल पे पत्थर पड़ गए हैं क्या जो उन्हें घर लाने की सोच रहे हो। घर में और कुछ चुरवाना बाकी है तो उन्हें बुला लो। चुप रहो बिमला, मेरा भाई चोर नहीं है, 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 मेरा भाई चोर नहीं है। हे भगवान, क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें? मम्मी कुछ करो, पापा पापा ये कुछ बोलते क्यों नहीं, कुछ तो बोलो। सुनते क्यों नहीं तुम? क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान बैठी हो? कुछ नहीं बाबा। तुम झूठ बोल रही हो। हुआ था, तुम्हारे बेटे की चैन खो गई थी ना, जिसका इल्जाम तुमने अपने सीधे साधे देवर किशन पर लगाया है, और उसको मारपीट कर उसकी मासूम बेटी के साथ उसको घर से निकाल दिया। बोलो ये सच है कि नहीं? ये सच है बाबा, हमने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया, लेकिन चैन भी तो गायब हो गई थी ना। चैन खो जरूर गई थी, मगर किसी ने चोरी नहीं की। जब तुम्हारा बेटा दीपक क्रिकेट खेल रहा था, उसकी बॉल झाड़ियों में चली गई थी। बॉल तो उसको मिल गई थी, मगर उसकी चैन का कुंदा ढीला होने की वजह से चैन वहीं गिर गई थी, और तुम लोगों ने समझा कि चैन किशन ने चुरा ली है। अब तुम वहीं जाके देखो, चैन तुम्हें वहीं पड़ी मिलेगी। बाबा मेरे पति को ठीक कर दो, आप ही उन्हें ठीक कर सकते हो। अगर तुम अपने पति को ठीक रखना चाहती हो तो जाओ अपने देवर और उस बच्ची को अपने घर पर ले आओ और उनसे माफी मांगो, तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे। शीघ्र जाओ, कहीं देर ना हो जाए। मैं अभी जाती हूँ, उनसे माफी मांगकर उन्हें घर ले आती हूँ। पर बाबा मैं उन्हें ढूंढूंगी कहाँ? मिल जाएंगे, सोना रोड पर जो नया मंदिर है वो वहीं होंगे। अरे भाभी आप यहाँ? किशन भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो भैया और घर चलो। भाभी आप माफी क्यों मांग रही हो, आप इतना परेशान क्यों, क्या बात है? किशन भैया तुम्हारे भैया की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी घर चलो। ये क्या कह रही हैं, भैया की तबीयत सही नहीं है? चलो जल्दी चलो, घर चलते हैं, आओ। Thank you.
भैया भैया क्या हो गया भैया? आंखें खोलो भैया, देखो मैं आ गया भैया, तुम्हारा किशन आ गया भैया, आंखें खोलो भैया। हे श्याम बाबा, मेरे भैया को ठीक कर दो बाबा, ठीक कर दो बाबा, मेरे भैया को ठीक कर दो। तुम तो हारे का सहारा हो बाबा, हम सबका तुम ही तो सहारा हो बाबा, बाबा मेरे भैया को ठीक कर दो बाबा, ठीक कर दो। भाभी 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 देखो देखो, भैया को होश आ गया। हमारी प्रार्थना बाबा ने सुन ली हमारी श्याम बाबा ने। देखो देखो भैया ठीक हो गए। ये सब मेरे बाबा का ही चमत्कार है, ये श्याम बाबा का चमत्कार है। किसी ने सच कहा है, हारे के सहारे हो तुम बाबा। किशन मेरे भाई कहाँ है तू? घर आ जा किशन मेरे भाई, घर आ जा। बड़े भैया मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास, मैं घर वापस आ गया भैया, देखो मैं वापस आ गया आपके पास। किशन मेरे भाई मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ मैंने बहुत गलत व्यवहार किया है, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। कैसी बात कर रहे हो बड़े भैया, आपका मुझ पर पूरा अधिकार है, आप मुझे डांट सकते हो मेरे भैया। दीपक की चैन झाड़ियों में गिर गई थी, एक बाबा आए उन्होंने बताया किशन बिल्कुल निर्दोष है, हमने इनके साथ अन्याय किया जिसकी वजह से आप पे परेशानी आई, अब हम जीवन में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, अब ये रिश्तों की डोर कभी नहीं टूटेगी। भाभी वो बाबा कोई और नहीं, स्वयं श्याम बाबा ही थे जिन्होंने हमारे परिवार को फिर से एक कर दिया। भैया हम सब मिलकर उस बाबा श्याम का शुक्रिया अदा करते हैं। बोलो खाटू नरेश की जय।